हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे एक और वीडियो में। मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं टेक टू टेक। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं आईफोन जगत से लेटेस्ट अपडेट्स एंड लीक्स। तो देखिए, उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, जैसे कि लीक्स निकल के आ रहे हैं, इस साल आईफोन के 4 मॉडल्स हो सकते हैं, 2 नॉन प्रो मॉडल्स और 2 प्रो मॉडल्स। नॉन प्रो मॉडल्स में 5.4 एंड 6.1 इंचेस का और प्रो मॉडल्स में 6.1 एंड 6.7 इंचेस का। एंड इस साल के आईफोन में नॉन प्रो मॉडल्स में 2 कैमरा, जैसे कि आईफोन 11 में पिछले साल था वैसे ही हो सकते हैं। और इस साल बट चेंजेस ये हो सकता है कि पिछले साल जो LCD पैनल था, इस बार वो LED डिस्प्ले हो सकता है। एंड आईफोन 12 प्रो मॉडल्स जो है, उसमें 3 कैमरा एंड 1 लाइडर सेंसर हो सकता है, जिसकी पोजीशनिंग कुछ ऐसी होगी जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। और हम ये एक लेटेस्ट कैट्स के हिसाब से बता पा रहे हैं आपको, जिसमें 3 लेंसेस लास्ट ईयर की तरह जो अलाइनमेंट था वही होगा, जिसमें 4th जो सेंसर है, जो कि एक लाइडर सेंसर है, वो राइट साइड में नीचे की तरफ होगा। और LED फ्लैश जो होगा वो 3rd कैमरा के ऊपर होगा और उसके ठीक लेफ्ट साइड में माइक होगा। एंड सच पूछो तो दोस्तों, मुझे ये जो लुक है बहुत ही क्लीन लगा है और ये जो प्रोटोटाइप डिज़ाइन है मुझे बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, लीक के हिसाब से एप्पल अपने फ़ोन्स में बैक साइड में मैग्नेट लगाने वाला है, जो कि एक्चुअली एक मैग्नेट रिंग की तरह होगा, जो शायद वायरलेस चार्जिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं वो, जो कि आईफोन की वायरलेस चार्जर्स बिकने में आईफोन को और भी हेल्प करने वाला है। दोस्तों, अगर ऐसा ना हुआ तो शायद वो अपने ऑफिशियल केस में ये रिंग टाइप मैग्नेट वाला डालने वाला है। इससे शायद रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करे, जिससे थ्रू आप अपने आईपॉड्स वॉच को इजीली चार्ज कर पाएंगे। और दोस्तों, आईफोन जो है इस साल भी अपने प्यारे दुलारे पुराने नॉच के साथ ही आने वाला है। शायद हो सके तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, बट नॉच कहीं नहीं जाने वाला दोस्तों। यस, नॉच कहीं नहीं जाने वाला। एंड फॉर द आईफोन लवर्स, जो कि बहुत टाइम से नॉच के हटने का वेट कर रहे थे, उनके लिए एक बहुत ही बड़ी डिसअपॉइंटमेंट न्यूज़ है। बट इट्स आईफोन, जो बनाएगा बिकेगा, आप खरीदेंगे ही। तो एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। एंड हाँ दोस्तों, खबर ये भी निकल के आ रही है कि इस साल आईफोन में 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले भी नहीं होगा। ये क्या डिसअपॉइंटमेंट अगेन। बट आईफोन इस चीज को पूरी तरह जब तक इम्प्लीमेंट नहीं कर लेता, तब तक शायद वो नहीं देने वाला, जो कि इस साल वो नहीं कर पाए हैं। एंड लीक्स का ये मानना है कि आईफोन अपने 120 हर्ट्ज़ के डिस्प्ले को सक्सेसफुल नहीं कर पाया इस साल, इसीलिए वो इस साल नहीं देगा, वो हमें उसके लिए अगले साल तक शायद वेट करना पड़े। एंड एज यू नो, जब तक कोई भी चीज़ परफेक्शन के साथ आईफोन बिल्ड नहीं करता, वो अपने फ़ोन्स में नहीं डालता है। एंड दोस्तों, हो सके कि इस साल की आईफोन मैक्स, जो 12 मैक्स जो हम सोच रहे थे नाम होगा, वो इस बार हो सकता है कि 12 प्लस के नाम से आएगा। ये जो है जॉन प्रोसेसर्स के हवाले के थ्रू ये न्यूज़ आ रहा है। एंड ऑब्वियसली दोस्तों, A14 प्रोसेसर, जो कि आईफोन की सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर होने वाली है, उसकी भी फोटो लीक्स निकल के आ रही है। एंड दोस्तों, ये सिर्फ 5 नैनोमीटर पे बेस्ड होगा। सोचिए, टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ आ गई है। एंड दोस्तों, ये लगभग कन्फर्म्ड है कि आईफोन की केबल जो है इस बार बेडेड केबल होने वाली है, जो कि एक्चुअली एक गुड न्यूज़ है, क्योंकि एप्पल का जो नॉर्मल केबल जो वो पहले देता था, वो काफ़ी जल्दी टूट जाती थी, जिसकी वजह से आपको बार बार दोबारा केबल खरीदना पड़ता था, जो कि आपके पॉकेट पे फिर से भारी पड़ता था। लेकिन ये जो बेडेड केबल्स है, ये टिकने वाली है, काफ़ी लॉन्जिविटी देने वाली है। एंड दोस्तों, जैसे कि एप्पल ने हिंट दिया है कि इस साल वो बॉक्स में अपने बॉक्स से अडाप्टर हेडफोन्स निकाल देने वाला है। दोस्तों, वो अपने बॉक्स में सिर्फ फ़ोन और एक केबल देगा।
और अगर आपको चाहिए तो आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा, अगेन मोर प्रॉफिट टू द कंपनी एंड आपके पॉकेट पे लोड। बट एप्पल का ये कहना है कि ये ई वेस्ट को कम करने के लिए किया गया है क्योंकि इससे एनवायरनमेंट पे जो इफेक्ट पड़ता है वो कम होगा। एनीवेज दोस्तों, आईफोन है, लेने वाले लेंगे ही, एंड अगर ये ई वेस्ट की पहल है तो इट्स अ वेलकम स्टेप। एंड चलते चलते मैं आपको एक प्राइस लिस्ट की अपडेट्स देते जाऊं जो कि लीक्स में निकल के आ रहे हैं। $699 फॉर 5.4 इंचेस से लेके $1,449 फॉर प्रो मैक्स मॉडल्स। बाकी के आपको डिटेल्स स्क्रीन पे आ रहे हैं, देख लीजिए एंड आप खुद ही समझदार हैं, इसको कन्वर्ट कर लो जैसे कि एप्पल हर साल करता है, जितना भी प्राइस है उसको इनटू 100 कर देता है, तो आप उसे कर लीजिए। प्लस GST 12 से 18 जो हो गया है वो अलग। एंड दोस्तों, जैसा कि एप्पल ने खुद ही कंफर्म किया है कि इस साल उनके फ़ोन डीले होने वाले हैं, शायद सितंबर में वो अनाउंस तो कर दें पर रिलीज़ होते होते लेट अक्टूबर या अर्ली नवंबर हो सका है। तो जिन लोगों को आईफोन 12 का बेसर्विस से इंतज़ार है, थोड़ा दिन और वेट करना पड़ेगा। एंड माइंड यू दोस्तों, इस साल फ़ोन अच्छे होने वाले हैं बट कॉस्ट भी अच्छा होने वाला है। तो बस दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक कीजिए और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो डिजिटल मंदिर की घंटी है उसे दबाएं और टेक्निकल आशीर्वाद पाएं। जस्ट जोकिंग। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज़ रोशन साइनिंग ऑफ।